हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हिस्टोरिकल और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर पुट कॉल पैरिटी की बात करेंगे जो कि ऑप्शंस के अंदर होती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैसे प्राइस मूवमेंट को जज करने के लिए हेल्प कर सकती है हमारी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से हम लोग कैसे ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट कितना हो सकता है, कैसे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिंगल डे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हिस्टोरिकल और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। दोस्तों, अब अगर मैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की बात करूँ तो ये फैक्चुअल होती है और ये नोन होती है। फैक्चुअल और नोन होने से मेरा मतलब है कि सबको पता है कि क्या हुआ है हिस्ट्री में, राइट। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये फैक्चुअल है क्योंकि सबको पता है पास्ट में जो भी हुआ वो सारा डेटा रहता है ट्रेडर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, और वो चार्ट में हमें दिखता है। इसी वजह से हम इसको फैक्चुअल और नोन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई हमें इंडिकेशन नहीं दे पाता फ्यूचर मूवमेंट के बारे में। स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या मूवमेंट होगा, कितना मूवमेंट होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता हमें हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। और दोस्तों, जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है वो बस हमें यही बताती है कि एवरेज से क्या डिविएशन हुआ है, और बस उसी को हमें प्रदर्शित कर देती है चार्ट के ऊपर। अब आप सभी को पता होगा कि जो वोलेटिलिटी है उसको कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका है बीटा, दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड डिविएशन, तीसरा तरीका है एवरेज ट्रू रेंज। जो मोस्टली तरीका यूज होता है उसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। मेनली स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ किया जाता है। और अगर आप ये वाले चार्ट में भी देखोगे ना, तो ऊपर है हमारा प्राइस और जो नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है इसका नाम है HV। HV स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो ये बेसिकली बस यही बता रहा है कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या रही है स्टॉक में। और यहाँ पे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को पहचानने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी राइज होती है जब प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है। इस केस में आप देखोगे यहाँ पे तो एकदम से एक स्पाइक आई, राइट। स्पाइक आने से क्या हुआ कि प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ भागा, है ना। तो यहाँ पे जो है प्राइस भागा, इसी वजह से वोलेटिलिटी भी ऊपर की तरफ गई। अब अगर आप ये दूसरा एग्जांपल देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ट्रेंड है ना वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी गिर रही है। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है ये ट्रेंड को नहीं दर्शाती, ये बस यही बताती है कि वोलेटिलिटी क्या है मार्केट में। अभी आप देख सकते हो कि ये गिर रही है। अब थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वाली डेट पे अर्निंग्स आई, जहाँ पे मेरा कर्सर है, एक बड़ी सी कैंडल बनी और उसके बाद से तेज़ी से अप ट्रेंड हमारा आना शुरू हुआ। तो जैसे ही अप ट्रेंड आया आप देख सकते हो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बढ़ गई, राइट। सो इस टाइप से हमारी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमें ये बताती है कि पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसका कोई भी अंदाज़ा हमें नहीं देती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लाइड या फॉरवर्ड वोलेटिलिटी के बारे में। अब जो फॉरवर्ड लुकिंग वोलेटिलिटी होती है ना, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोला हमने, क्योंकि हमें भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें पता चल जाएगा अगर हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को जान लेंगे तो। अब आप सभी को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के जो भी टूल्स हैं वो एकदम पिन पॉइंट एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि आपको भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन एक अंदाज़ा आपको दे सकते हैं कि हाँ भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बस आपको यही बताने की कोशिश करती है। और ये जो वोलेटिलिटी है ना दोस्तों, ये ऑप्शन से निकल के आती है। जो हमारे ऑप्शन ट्रेड होते हैं ना स्टॉक्स के ऊपर या इंडेक्सेस के ऊपर, उसमें जो भी ऑप्शन का डेटा होता है उससे हम लोग ये वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ना, वो रिएक्ट करती है मार्केट की सप्लाई और डिमांड को, राइट। जब भी ऑप्शंस में बाइंग ज़्यादा होगी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जब भी ऑप्शन में बाइंग कम होगी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरेगी। अब यहाँ पे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ऑप्शंस को कवर किया था। ऑप्शंस में हम लोगों ने ये समझा था कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि ऑप्शंस बेसिकली एक इंश्योरेंस होते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस आदमी तभी ख़रीदता है जब उसको लगता है कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है, है ना। और ऑप्शंस दोस्तों आदमी तभी ख़रीदता है जब उसको लगता है कि मेरे जो खरीदे हुए स्टॉक है ना उनकी वैल्यू गिर सकती है। जब किसी आदमी को ऐसा डर लगने लगता है कि यार जो मेरा स्टॉक है, जो मेरा पोर्टफोलियो है, वो पूरा का पूरा भयंकर तरीके से गिर सकता है, जब उसको ये डर सताता है तो वो ख़रीदता है ऑप्शंस को, है ना। जब वो ऑप्शंस को ख़रीदेगा तो जो ऑप्शन की प्राइजेज हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। जब ऑप्शन की प्राइजेज ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी। और वोलेटिलिटी मार्केट में तब बढ़ती है बेसिकली जब मार्केट धड़ाम से एकदम से गिरता है या एकदम से ऊपर जाता है। अब मार्केट ऊपर बहुत तेज़ी से नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मार्केट नीचे बहुत धड़ाम से गिरता है, एकदम तेज़ी से जाता है नीचे की तरफ।
तो जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो लोग डर जाएंगे और डर के मारे लोग ऑप्शंस को खरीदना चालू कर देंगे, और जब लोग ऑप्शंस को खरीदना चालू करेंगे तो जो वोलेटिलिटी है ना ऑप्शंस के प्राइजेस में वो भी बढ़ जाएगी। और जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है या एकदम साइडवेज टाइप का रहता है तो कोई ज़्यादा ऑप्शन खरीदना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं होता मार्केट में। अब दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, आपको पता होगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आप पुट ऑप्शन को तब खरीदना चाहोगे जब आपको डर लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, राइट। लेकिन कॉल ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो कॉल ऑप्शन से हमें तभी फ़ायदा होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन तो खरीद ही सकते हो, लेकिन कॉल ऑप्शन खरीदने के साथ साथ आप स्टॉक को भी खरीद सकते हो। अगर आप स्टॉक को खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको हो सकता है दूसरे तरीके के बेनिफिट्स भी मिल जाए। तो लोग स्टॉक्स को कभी कभी खरीदना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑप्शन। तो इसी वजह से जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना तो ऑप्शन की डिमांड ज़्यादा नहीं होती, ऑप्शन की जो बाइंग होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उस केस में गिर जाती है। तो इस हिसाब से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिएक्ट करती है डिमांड और सप्लाई को जो भी होती है ऑप्शन मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को दिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है विक्स। विक्स स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स को हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बस ब्रीफली बता दिया कि कैसे हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये बेसिकली दोस्तों एक चार्ट बनाया गया है सिंथेटिकली, और विक्स कैसे काम करती है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना देख सकते हो। आप सभी को पता होगा कि जो 2008-09 का टाइम था उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो कैसे ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एकदम से बढ़ गई। आप देख सकते हो यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों को ये चाहिए था कि वो पुट ऑप्शन को खरीदें, और पुट ऑप्शन को खरीदने के चक्कर में ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ गई क्योंकि पुट ऑप्शन के प्राइजेस बढ़े, राइट। और जो हिस्टोरिकल एवरेज है वो हमें ये ऑरेंज लाइन से दिख रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से आप ये पता लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पुट कॉल पैरिटी के बारे में। ये पुट कॉल पैरिटी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड नहीं भी करते हो तो भी आई थिंक आपको ये पुट कॉल पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों जो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के प्राइजेस होते हैं ना वो लिंक होते हैं एक दूसरे से। जो पुट कॉल पैरिटी है उसके हिसाब से पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के जो प्राइजेस हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब ये पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के प्राइजेस कैसे लिंक होते हैं, हमें ये लिंकेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है कि दिस लिंक एग्जिस्ट बिकॉज कंबाइनिंग अ स्टॉक एंड पुट पोजिशन कैन रिजल्ट इन द सेम पे ऑफ एज पोजिशन इन अ कॉल ऑप्शन। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप स्टॉक्स को, कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को, इनमें से कोई भी दो चीज़ों का इस्तेमाल करोगे ना तो आप तीसरी कोई सेम पे ऑफ वाली पोजीशन बना सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ तो कॉल ऑप्शन खरीदने से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मार्केट ऊपर गया तो मुझे बेनिफिट होगा, मार्केट नीचे गया तो मेरे को लॉस नहीं होगा, और एक थोड़ा सा जो प्रीमियम रहेगा छोटा सा अमाउंट वो मेरा सा एक लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है कि मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूँ अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसके अलावा मैं दूसरी भी चीज़ें कर सकता हूँ, कॉल ऑप्शन खरीदने की जगह मैं एक स्टॉक को खरीद सकता हूँ और पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो भी मेरा पे ऑफ सेम होगा। तो बस पुट कॉल पैरिटी हमें यही बताती है कि जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है ना उन दोनों को आप कंबाइन करके बहुत सारी पोजीशंस बना सकते हो स्टॉक के साथ। सो अभी दोस्तों हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ही लेते हैं। अब मान लो आपको किसी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी हो, लॉन्ग का मतलब बाइंग की पोजीशन बनानी हो, तो अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाते हो तो जाहिर सी बात है आपका जो पोटेंशियल अपसाइड बेनिफिट है ना वो रहेगा। अब अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का ख़रीदा है और वो स्टॉक अगर 120 पे चला गया तो 20 रुपये का आपको मुनाफा होगा। अगर आपका स्टॉक का जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपये है और भाव 80 रुपये पहुँच गया तो आपको 20 रुपये का लॉस होगा, राइट। तो अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो आपका पे ऑफ कुछ इस टाइप का रहेगा, स्टॉक ऊपर गया तो प्रॉफिट, स्टॉक नीचे गया तो लॉस, राइट। लेकिन अब अगर मेरे को ये लॉन्ग स्टॉक वाली पोजीशन बनानी है विदाउट बाइंग दिस स्टॉक तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको हम लोग समझते हैं। तो अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रीमियम पे करना होगा 20 रुपये का, तो 20 रुपये आपकी जेब से जाएंगे, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड बेनिफिट मिलेगा, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट, और नीचे की तरफ गया तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जो प्रीमियम आपने पे ही किया है बस वही आपका लॉस है। और अगर मैं एक कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने के साथ साथ एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दूँ तो क्या होगा, अगर आपने दोस्तों पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है
तो आपको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको जो डाउनसाइड लॉस है ना वो अनलिमिटेड होगा यहाँ पे, क्योंकि पुट ऑप्शन को जब आप शॉर्ट करते हो तो आप बेसिकली एक रिस्क ले रहे हो शॉर्ट वाले साइड में, नीचे वाली तरफ आप एक रिस्क ले रहे हो, राइट। लेकिन वो रिस्क कवर हो जाएगा हमारे कॉल ऑप्शन से। तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों 20 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ तो इस वाली जगह पे मैं 20 रुपये का प्रीमियम ले भी रहा हूँ, तो -20 +20 हो जाएगा जीरो, और ये जो पोटेंशियल अपसाइड बेनिफिट है कॉल ऑप्शन का वो मुझे मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो पोटेंशियल डाउनसाइड लॉस है ना वो भी मुझे मिलेगा। तो कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करना और पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना, इन दोनों चीज़ों को करने का जो आउटपुट होगा ना वो एकदम बराबर होगा स्टॉक को खरीदने के। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पुट कॉल पैरिटी काम कैसे करती है। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप आउट ऑफ लाइन हो जाए, मतलब अगर ये एक जगह प्रीमियम आपको 20 रुपये का देना पड़े और दूसरी जगह प्रीमियम आपको सिर्फ 10 रुपये का ही मिले, अगर ये जो प्रीमियम है उनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाए तो क्या होगा। तो जब ये दोस्तों पुट कॉल पैरिटी का जो रिलेशनशिप है, जब ये आउट ऑफ लाइन चला जाता है, जब ये पैरिटी नहीं होती है, तो एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब आर्बिट्रेज में आप सभी को पता है कि रिस्क लेस प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी जाती है, राइट। रिस्क लेस प्रॉफिट को कमाने की कोशिश करी जाती है बाय आइडेंटिफाइंग एंड एक्टिंग ऑन मार्केट इन एफिशिएंसीज, बाय एक्टिंग ऑन मार्केट इन एफिशिएंसी। तो अगर पुट और कॉल के प्रीमियम्स में थोड़ा सा इम्बैलेंस है तो वो इम्बैलेंस को करेक्ट कर दिया जाएगा इन आर्बिट्रेजर्स के द्वारा थ्रू डूइंग एन आर्बिट्रेज। तो जब ये आर्बिट्रेज करेंगे हमारे ट्रेडर्स, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मिस प्राइजिंग है ना वो गायब हो जाएगी, क्योंकि इस मिस प्राइजिंग का एडवांटेज ले लिया जाएगा। और जैसे जैसे ज़्यादा लोग इस मिस प्राइजिंग का एडवांटेज लेंगे, वैसे वैसे जो प्राइस है ना वो एक लाइन में आ जाएंगे और एक दूसरे से पैरिटी में आ जाएंगे, राइट। और अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने तो बस आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल दिया था कि कैसे आप ये लॉन्ग स्टॉक की पोजीशन बना सकते हो। अगर आप चाहो तो शॉर्ट स्टॉक की भी पोजीशन बना सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शंस। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, ये सारी पोजीशंस आप बना सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शंस। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है लॉन्ग टी बिल। लॉन्ग टी बिल का सीधा सीधा मतलब है कि आप एक कैश वाले इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगा के बैठे हो, राइट। आप बेसिकली कैश होल्ड करके बैठे हो, उसको दर्शा रहा है ये लॉन्ग टी बिल। और अगर दोस्तों आपने किसी से पैसा उधार लेके रखा है, अगर आपने ब्रोकर से पैसा उधार लेके रखा है, तो उस चीज़ को ये शॉर्ट टी बिल दर्शा रहा है दोस्तों। तो ये जो पुट कॉल पैरिटी है उससे ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, जिसको आप अपनी लिस्ट पे देख सकते हो। आई होप आपको ये पुट कॉल पैरिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि जो ऑप्शन है उससे हम अंडरलाइंग एसेट के जो प्राइस मूवमेंट है उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन को सबसे पहले पढ़ते हैं। इफ़ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फॉर बोथ द पुट एंड कॉल ऑप्शंस दैट एक्सपायर द फॉलोइंग डे इज अराउंड 155%। मतलब जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है पुट और कॉल ऑप्शन की, जो हम निकाल रहे हैं पुट और कॉल ऑप्शन से जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अगर वो 155% के आसपास है, इसका मतलब ये है कि ऑन एन एनुअलाइज बेसिस, एनुअलाइज बेसिस मतलब एनुअल बेसिस, साल भर के हिसाब से जो ऑप्शन मार्केट है ना वो बेसिकली 155% का मूव एक्सपेक्ट करता है एक अंडरलाइंग एसेट में। अब अगर एनुअलाइज्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 155% की है, तो इसका मतलब ये है कि एक साल में 155% का मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में, राइट। अब हमें ये पता लगाना है कि यार सिंगल डे में क्या मूवमेंट हो सकता है किसी एक इंडेक्स के अंदर या किसी एक स्टॉक के अंदर, जिससे हमने ऑप्शन का डेटा लिया है। तो बेसिकली दोस्तों अगर वन डे वाला अगर आपको मूवमेंट निकालना है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वन डे वोलेटिलिटी का फॉर्मूला है IV डिवाइडेड बाय SQRT 252। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दोस्तों आपको विक्स से मिल सकती है, वोलेटिलिटी इंडेक्स से मिल सकती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन दोस्तों अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दी हुई है किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की, तो उससे आपको वन डे वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, बस आपको इतना ही समझना है। अब ये वाला जो चीज़ है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल हैं, और मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा कि कैलकुलेशन को आप सही तरीके से समझ लें। और दोस्तों अभी मैं बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को लिया गया है ऊपर की तरफ, और जो नीचे का हमारा डिनोमिनेटर है उसमें SQRT 252 लिया गया है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 252 का क्यों लिया गया है उसको आप समझ लीजिए। अब दोस्तों साल में 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं,
अब सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, तो अगर हम उनको हटा दें तो 252 के आसपास ट्रेडिंग डेज निकल के आते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 252 लिया है, राइट। तो जो इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी है हमारी 155%, उसको हम डिवाइड कर देंगे 252 से, और जब हम ऐसा करेंगे ना तो जो वन डे मूव है वो 9.76% का निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 9.76% का मूव आ सकता है हमारे एक स्टॉक में या अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में जिसको ये ऑप्शंस ट्रैक कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक तो क्वेश्चन इसके सॉल्व ज़रूर करके रखें प्रैक्टिकली, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। अब जो सिंगल डे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है ना, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। तो सिंगल डे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैन बी इंटरप्रेटेड एज बींग अ सिंगल स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट। अभी सिंगल स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसमें आपको इतना तो पता ही होगा कि ये वाला जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में अगर 100% डेटा है तो 100 में से 68% जो डेटा है वो वन स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर होता है। डिविएशन का मतलब है कि जो एवरेज है आपका उससे कितना इधर उधर डेटा हो रहा है, एवरेज से कितना डिविएट हो रहा है वो बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसके अलग अलग लेवल होते हैं। तो जो पहला स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 68% का होता है, दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन 95% का, तीसरा स्टैंडर्ड डिविएशन 99% का। तो अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी 20% निकल के आ रही है और जो आपका स्टॉक है उसका प्राइस अगर 50 रुपये है, तो यहाँ पे दोस्तों $40 और $60 के बीच में ही आपका प्राइस रहना चाहिए 68% ऑफ द टाइम। तो ये जो हमने ये वन डे वॉलेटिलिटी की फॉर्मूला का यूज़ करके जो ये 9.76% वैल्यू निकाली ना दोस्तों, ये 9.76% के अंदर ही मार्केट रहेगा या इतनी वॉलेटिल रहेगी, इसका जो चांस है ना वो है 68%। मतलब 68% ऑफ द टाइम जो मार्केट है उसमें 9.76% के आसपास का ही मूव रहेगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑप्शन के प्राइजेस के ऊपर। अब जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है उसको दोस्तों एक इंडिकेटर की तरह माना जाता है, और ये इंडिकेटर हमें बताता है कि ऑप्शन के जो प्राइजेस हैं वो कब सस्ते हैं कब महंगे हैं। अब ये ऑप्शन के प्राइजेस कब सस्ते हैं कब महंगे हैं, इसके अलावा एक और चीज़ बताता है कि ऑप्शन की डिमांड क्या है। जब दोस्तों मार्केट में पैनिक आता है तो ऑप्शन की डिमांड भी बढ़ती है, राइट, और जब मार्केट में पैनिक नहीं होता तो ऑप्शन की डिमांड भी कम हो जाती है। तो ऑप्शन चीप है या एक्सपेंसिव है ये तो हमें बताता ही है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ ऑप्शन की डिमांड भी हमें बताता है, राइट। अब दोस्तों जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं लाइक अंडरलाइंग प्राइस, टाइम टू एक्सपिरेशन, इंटरेस्ट रेट लेवल्स और जो भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ये भी ऑप्शन का जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करती हैं, राइट। लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ना उसको ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग से ही फ़र्क पड़ता है। और जब भी ऑप्शन में ज़्यादा बाइंग होगी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो एकदम खटाक से बढ़ जाएगी, और जब भी ऑप्शन में बाइंग कम हो जाएगी कॉल और पुट दोनों में, तो ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ना वो भी गिर जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ऐसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओनली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी विल फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द मार्केट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। और दोस्तों जब भी मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएट होगी ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और मार्केट में क्या हो सकता है, कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो आप पता लगा लोगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। और हम लोग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की इतनी ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 5% से ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी ना दोस्तों, अभी जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में 30% है और सेकंड केस में आप देख सकते हो 35% है, 5% का इंक्रीज है, तो ये 5% का इंक्रीज होगा ना, उससे ऑप्शन की प्राइसिंग में आप देखो कितना फ़र्क आ गया, 1.45 रुपीस का जो ऑप्शन है वो 1.70 का पहुंच गया। तो ऐसे डिफरेंस आता है ऑप्शन की प्राइसेस के ऊपर जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और ये डिफरेंस मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आना चाहिए अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, और नहीं भी करना चाहते तो भी आई थिंक आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और विक्स के बारे में। अब जो विक्स है ना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये हमें हेल्प करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को पहचानने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ विक्स का। अब विक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। विक्स जो है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, और कैसे मेजर करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं ना, उससे ये विक्स को मेजर किया जाता है। निफ्टी 50 इंडिया का मेजर इंडाइस है, और इस मेजर इंडाइस के जो इंडेक्स ऑप्शन है उसको ट्रैक करके आप इतना समझ सकते हो कि क्या विक्स हो सकती है मार्केट की, क्या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो सकती है। और जो विक्स है ना वो हमें दोस्तों ये पता लगाने में हेल्प करती है कि अगले 30 दिनों में
जो निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स का मूवमेंट है वो क्या हो सकता है। दोस्तों अब हम सभी को पता है कि बाइंग मार्केट में ऑप्शंस की तभी बढ़ती है जब लोगों में डर आता है, जब लोगों को पैनिक होता है, जब लोग पैनिक होते हैं तो वो ऑप्शंस को बाई करते हैं एज एन इंश्योरेंस। तो दोस्तों जब ऑप्शंस में बाइंग होती है ज़्यादा तो विक्स बढ़ती है हमारी, राइट। तो इसी वजह से ऐसा बोला गया है कि जो विक्स है ना वो एक तरीका है फियर को पहचानने का ओवरऑल मार्केट में। अब इस चीज़ को हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर देख ही लेते हैं। अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू से एक स्क्रीनशॉट लिया है और ये स्क्रीनशॉट है इंडिया विक्स का, और आप देख सकते हो कि 2014 से ये जो विक्स का डेटा है ये हमारे पास है। जो विक्स का डेटा है वो ऐसे ही हमारे चार्ट्स के ऊपर प्लॉट किया जाता है और इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और इसमें कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती है दोस्तों। ये बस हमें इतना ही पता लगाने में हेल्प करता है कि जो वोलेटिलिटी है ना मार्केट की वो क्या हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हो कि 2020 में क्राइसिस आया था कोरोना का, तो जब ये कोरोना वायरस आया था तो आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं ना वो कैसे बढ़े थे, कैसे फियर बढ़ा था मार्केट में। इसी वजह से दोस्तों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो विक्स है ना वो हमें मार्केट का फियर पहचानने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विक्स कैसे काम करता है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए विक्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन बैंक्स को लेके और CMT बुक को लेके, इंपॉर्टेंट नोट्स को लेके। अगर आपके वो सारे सवाल हैं तो आप मेरे से वो इंस्टाग्राम पे, मेल पे और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे कॉमेंट मैंने किया होगा, पिंड कॉमेंट। अगर आप उस पिंड कॉमेंट को चेक करोगे तो आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख जाएंगी टीम की। आप टीम को कॉन्टैक्ट करके ये क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स वगैरह का जो भी आपका डाउट है वो आप उन लोगों से पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ब्रेन्स टू वॉच मोर CMT रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।